ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज़, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज़ के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए आज कानपुर गए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और यूपी बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने आज गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के प्रयासों के संबंध में मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कानपुर में नेशनल गंगा काउंसिलिंग की बैठक की गई। नमामि गंगा प्रोजेक्ट पर आयोजित इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेदी सिंह रावत शामिल हुए। इस बैठक में नीतीश कुमार को भी पहुंचना था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना कानपुर दौरा अचानक रद्द कर दिया। नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम सुशील मोदी बैठक में पहुंचे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद इस वक्त भारत दौरे पर हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर अपनी राय जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है। हम भारत के लोकतंत्र में यकीन करते हैं। नागरिकता संशोधन बिल की पूरी प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली है और मैं उस दौरान खुद भारत की संसद में मौजूद था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मौजूद कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर और शेरनिया कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। उन्होंने अपने रेप इन इंडिया वाले बयान पर कहा कि सच्चाई के लिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिक संशोधन कानून को चुनौती दी है। जयराम की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून 2019 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला ठहराते हुए रद्द घोषित करे। इसके अलावा कोर्ट घोषित करे कि यह कानून 1985 के असम समझौते के खिलाफ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए अपील की कि संविधान को बचाने और देश को विभाजन से बचाने के लिए सभी आवाज उठाएं। प्रियंका ने कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत बचाओ रैली में कहा, यह देश प्रेम का देश है, अहिंसा का देश है, युवाओं के सपनों का देश है। यह ऐसा देश है जिसके फौजी देश के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं। प्रियंका ने कहा, हमें इस देश को बचाना है क्योंकि इस पर एक ऐसी सरकार का साया है जिसमें समानता नहीं है। प्रियंका ने कहा, पहले पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, विकास हो रहा था। आज भाजपा की सरकार में रोजगार बढ़ने की बजाय घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, छोटे व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने कहा, असलियत यह है कि यदि भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई मुमकिन है। चुनावी रणनीतिकार और जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर अब आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी। केजरीवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कई राज्यों में पार्टियों की जीत के लिए रणनीति बनाई है, अब वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको जिताने के लिए हमारे साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे यह खबर साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इंडियन पैक ने हमारे साथ हाथ मिलाया है, आपका स्वागत है। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, अब की बार 67 के पार। आपको बता दें कि फरवरी 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी। नागरिकता बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर में बवाल और हंगामे के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। असम, त्रिपुरा में सेना तैनात है और कर्फ्यू भी लागू है। हालांकि असम में फिलहाल शांति की खबर है। गुवाहाटी में आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है, जबकि मोबाइल, इंटरनेट और मैसेजिंग सेवा अभी भी बंद है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार शाम से ही इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दी गई थी।
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। दो दिनों से तीन राज्यों में जोरदार बर्फबारी पड़ रही है। बर्फबारी के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बर्फबारी की वजह से चंबा, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून समेत कई जिलों में आज भी स्कूलों को छुट्टी दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।